नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है हिमांगी गौड एंड वेलकम टू माय चैनल गौड स्पीक्स, जहां पे मैं मेरे इमेज कंसल्टिंग वीडियोस बनाती हूं और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी व्लॉगिंग करती हूं। तो आज का जो व्लॉग है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट मी ग्रेजुएटिंग। आई शो यू माय कॉलेज सून। आई एम राइट नाउ इन द उबर। कोविड-19 के वजह से दो बैचेस का कॉन्वोकेशन है ना, साथ में हो रहा था। जैसे कि आप जानते हो, 2019 और 2020 बैच का कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारे पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं एज टू हम कौन से बैच से बिलोंग करते हैं, एंड देयर वाज आल्सो लंच टाइमिंग्स, तो लंच का कूपन एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग हियर। शो योर फूड पास। दिस इज आतिश। या और हम लोग को ही पता है हम लोग कैसे पास हुए हैं, स्पेशली 2020 में। वी हैड गिवन ऑनलाइन एग्जाम्स। हां, हम लोग ने ऑनलाइन एग्जाम्स दिया था और अभी हम लोग को हमारा कॉन्वोकेशन और डिग्रीज मिलने वाले हैं। आई विल टेल यू व्हाई आई डिड लॉ। एक्चुअली आई हैव 3 डिग्रीज। ओके, तीनों डिग्री में से मुझे एक भी कॉन्वोकेशन नहीं मिला। स्कॉलर स्कॉलर नहीं हूँ, एंड दिस इज द ओनली कॉन्वोकेशन थर्ड डिग्री में मुझे मिल रहा है। मुझे लगा वो पूरा रोब और हैट रहेगा, बट दिस इज व्हाट वी गॉट। आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। मुझे आदर्श को पूछना है कि हम लोग के पास बाहर काउंसिल से पार्सल आए हैं, कुरियर आए हैं, वो क्या है? मैंने अभी तक खोला नहीं। ये भी मुझे आया था बाहर काउंसिल से। बाहर काउंसिल ओपन, जस्ट ओपन। और मुझे पता भी नहीं था आज खाना मिलने वाला। And she is opening the parcel got from bar council. ये क्या है? सर्टिफिकेट तेरा। तो बेसिकली ये वाला मेरे को फ्रेम करना है कि उसके पहले वाला फ्रेम करना है। We have to frame the both. अरे लेकिन लगाना क्या है ऑफिस में? This one. ऑफिस में ये लगाना है। So this is official कि मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ और मैं सब एग्जाम्स पास कर चुकी हूँ, एंड आई एम अ लॉयर। मैं मेरे नाम के सामने एडवोकेट लगा सकती हूँ, एडवोकेट हिमांगी गौड, और नीचे इमेज कंसल्टेंट भी लगा सकती हूँ। शी इज आल्सो कंसल्टेंट। पता है ना? अरे वीडियोस में तो बोला है ना, मैं इमेज कंसल्टेंट। शी आतिश, यू डोंट वॉच एनी ऑफ माय वीडियोस। इसको बोलते हैं दोस्ती, कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमने ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी सेलिब्रेट किया था सिद्धिविनायक हॉल में। इट वॉज ग्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल जस्टिस श्री सारंग कोटवाल, जज बॉम्बे हाई कोर्ट, श्री रामचंद्र आप्टे, सीनियर काउंसिल बॉम्बे हाई कोर्ट, श्री शरद साटम, ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, एडवोकेट अंजलि हिलेकर मैम, श्री अरुण पुरनायक सर एंड प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर मिसेस शितिला गवन। I will take a pause here because I address you as friends. Let me tell you, judges can be friends too. So, first thing when you are stepping out in this big world is first lesson as a judge which I am telling you is don't be afraid of any judge. That is the first thing you must learn. Hemangi Gaur. Hemangi Gaur. Second Hemangi Gaur. We have two Hemangi Gaur. सेरेमनी के बाद मैं वो जो सरप्राइज चीज जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोली थी उस पे काम करने गई थी, और वो सरप्राइज चीज जिस पे मैं काम कर रही थी इज ऑलमोस्ट रेडी। दैट वीडियो विल आल्सो बी कमिंग आउट वेरी सून, सो स्टे ग्लूड। इस वीडियो का, इस व्लॉग का पार्ट 2 भी आने वाला है, और ये वीडियो मैंने पर्पसली शॉर्ट रखा है क्योंकि पार्ट 2 में मैं शेयर करने वाली हूँ ऑनरेबल जस्टिस श्री सारंग विजय कुमार कोटवाल जी, जो हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज है, उनका स्पीच। ये स्पीच आई थिंक सब लोग ने सुनना चाहिए बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स आम आदमी के लिए तो बेनिफिशियल है ही, पर जो पेरेंट्स जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे उनके बच्चे ने
लड़का या लड़की whether they should do law or not, और ऐसे students जो confused है career के बारे में और option रख रहे हैं अपने सामने lawyer बनने का, तो कुछ चीज़ें उन्हें क्लैरिटी देगी ये चॉइस करने में कि उन्हें इस फील्ड में आना है कि नहीं आना है। तो ये स्पीच सुनने से आपको थोड़ी झलक मिलेगी कि लाइफ एज अ लॉयर पढ़ाई करने के बाद कैसी होती है और ये क्यों एक नोबल प्रोफेशन है। हमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि उनके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस जो अभी तक उन्होंने की है लाइफ में what they are, and उससे हम बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं। According to me, law एक ऐसी चीज़ है which everyone should know about, ताकि कोई किसी को cheat ना कर पाए। You should know कि आपके rights exactly क्या है, अगर आप किसी situation में फंसते हो तो उससे बाहर कैसे निकले, या in general how to give back to the society, आपके जो duties भी है as a citizen क्या है, इसका बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो इट शुड बी लाइक अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, फॉरगेट इट। आई मीन जो मेरा सोच है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबका हो, बट बेसिक लॉ तो आना चाहिए सबको। एनीवेज ये टॉपिक उसके बारे में नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ। दिस वीडियो इज अबाउट माई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, दिस इज पार्ट वन। पार्ट टू स्पीच आई विल बी शेयरिंग, सो प्लीज वो भी देखिए। बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड माई देन प्रिंसिपल वैशाली गौरव मैम, स्पेशल थैंक्स टू गोरे मैडम, प्रोफेसर कामिनी आहूजा मैम, प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा शेट्टी सर, डॉक्टर आशीष पावस्कर सर एंड प्रोफेसर जुबिन सर। आशा करती हूँ आपको पार्ट वन इस व्लॉग का अच्छा लगा हो, और पार्ट टू प्लीज कल देखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।